किसी संख्या की लॉगरिथमिक मान वह है जिससे उसके आधार के घातांक के रूप में लिखने पर उसका मान किसके बराबर आता है, संख्या के बराबर आता है। हाँ, और यहां बोल देंगे सरेन का मान क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। ए का मान क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। एंड ए नॉट इक्वल टू वन। आइए इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूं क्वेश्चन के साथ। इस समय मैं इस बात क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लिखिए इस पर क्वेश्चन। लॉग फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिएगा, लॉग 512 बेस दिया गया 8 की वैल्यू। बी नंबर क्वेश्चन है लॉग 81 का लॉगरिथमिक वैल्यू बेस 3 पर। सी नंबर क्वेश्चन है लॉग 4 बेस 2 मैं बात करूं, और डी नंबर क्वेश्चन की लॉग 4 बेस रूट 2। ई नंबर की बात करो लॉग 125 बेस रूट 5 सोच का मतलब। एफ की बात करो लॉग 5 बेस 1/5। जी की बात करो लॉग 193 बेस 1/93। लॉग 1/9 बेस 1/3। और इतनी बात मैं क्लियर करता हूं, आप इतना तो क्लियर है कि लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ए का पावर क्या रखें कि क्या बन जाता है, ए का पावर क्या रखें कि ये मिल जाए। सोचिए 8 का पावर क्या रखें कि 512 मिल जाए। हम करने का और तरीका बताऊंगा, 8 के पावर क्या रखें कि 512 मिल जाए। हाँ, 2, 3 सोच पाएंगे जी। 8 के पावर 3 की वैल्यू 512, हमारा रिजल्ट क्या हो जाए। अब फिर सोचिए 3 के पावर क्या रखें कि काशी हो जाए। अच्छा, बहुत अच्छा। 2 के पावर क्या रखें कि 4 बन जाए। 2, बहुत अच्छा। √2 के पावर क्या रखें कि 4 मिल जाए। √2 के पावर 4। सोचिए ऐसे कि √2 का पावर यदि मैं 4 रखता हूं, इसका मतलब 2 के पावर 1/2 का पावर 4 निकल जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसका मतलब वैल्यू क्या है। √5 के पावर क्या रखूं कि 125 मिल जाए। 6, तो हम ऐसे भी सोचते हैं कि 5 के पावर 3 रूट लगा, इसका मतलब आधा हुआ होगा कितना, ये बताओ। 1/5 के पावर क्या लिखे कि 5 बन जाए। 1/5 के पावर यदि -1 लिख दूं ना सर, ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, मतलब 100। हाँ, -1। 1/93 के पावर क्या लिखेंगे, 1/93 बन जाए। 1/3 के पावर क्या लिखेंगे, 1/9 बन जाए। 1/3, 1/3 के पावर क्या लिखें कि 1/9 बन जाए। 1/3 के पावर क्या लिखें कि 1/9 बन जाए। लॉग 125
बेस रूट 5 की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत याद कीजिए, क्लास 9 में स्टेक्स माने थे हम लोग। अगर x मानेंगे ना तो कहा था कि इसका पावर होगा रूट 5 का पावर x इक्वल टू 1/5। तो 5 के पावर 1/2 इक्वल टू होल पावर x इक्वल टू 5 के पावर 3। देन 5 के पावर x/2 इक्वल टू 5 के पावर 3। देन x/2 इक्वल टू 3। देन x इक्वल टू 5। ऐसे निकल कर मान लीजिए हम नहीं सोच पाएंगे हम किस तरह हल करेंगे, इस टाइप से हल करेंगे। लेकिन और बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन आप लोग करें इसमें सॉल्व, एक और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें आप। मैं चाहूं एक क्वेश्चन आप करें, लॉग 512 बेस 8 को सॉल्व कीजिए। लॉग 512 बेस 8 को सॉल्व कीजिए। हाँ आंसर भी दे सकते हैं, मैंने समझाया बैक में, लेकिन आप सॉल्व करें। कितना तो मान लेंगे, मानव क्या आएगा इसकी वैल्यू x, इसका मतलब 8 के पावर x इक्वल टू 500। तो 8 के पावर x इक्वल टू 8 के पावर 3 x इक्वल टू 3। तो तरीका दो सोचने का, एक आप ये सोचिए एक बार कि सर 8 के पावर सबसे अच्छा तो ऑप्शन रहेगा 8 के पावर क्या रखें जिसकी 512 आ जाए। डायरेक्ट सोची ये आपकी सोच पढ़े। इसे क्वेश्चन ये लिखिएगा, लो log 81 base 81 log 1 base 1/√2 log 1 base 97। ये कोड बहुत अच्छा क्वेश्चन, log रूट टू माइनस 1 बेस रूट टू प्लस 1
आप इसका कैसे लेंगे सर, रूट टू माइनस वन पुलिस वन अपॉन रूट टू। तो सोचो इसको आप इतना लिख सकते हो, तो मैं कहूं कि बेस में रूट टू प्लस वन है, रूट टू प्लस वन का पावर, रूट टू प्लस वन का पावर क्या रखे कि वन अपॉन रूट टू प्लस वन हो जाए। या तो ऐसे सोचेंगे और नहीं तो यस मान कर सोचेंगे। क्या जी तो इतना से हमें कुछ मिला, हमें ये मिला कि आप नोटिस इस बात को समझे कि आप किसी नंबर का लॉगरिथम निकालने चलते हैं, उसका बेस ए है और उसकी वैल्यू एक्स आ रहा है, तो आप क्या समझे कि सर ए का मान ग्रेटर जीरो होगा तो एन का मान भी क्या आएगा ग्रेटर जीरो आएगा और ए का मान क्या आएगा नॉट इक्वल टू वन होना, सारे कंडीशन में ए का मान नॉट इक्वल टू वन हो जाए। दूसरा पॉइंट, कोई भी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस पर क्या आएगा समझ गए, एन का पावर क्या रखे कि नहीं मिल जाए तो बोलेंगे वन। तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा लॉग लास्ट वाले से कि एन इक्वल का वन बाई एन बेस ए, लॉग लॉग वन बाई एन बेस ए, एन का मान क्या रखे कि वन बाई एन हो जाए माइनस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग एन बेस वन बाई एन, तो भी क्या आएगा दोनों लॉजिक समझना। चौथा पॉइंट लॉग वन बेस ए वैल्यू क्या होगी जीरो। मैं बोलूं कि सर ए का पावर क्या रखे, ए का पावर क्या रखे कि वन हो जाए तो जीरो रखे। ये बातें आप समझें इसको लिख लें तो मैं और बात आगे करता हूं। किसी को भी कर सकते हैं इस्तेमाल करो, किसको बोली ये वाला। अच्छा लॉग रूट टू माइनस वन बेस रूट टू प्लस वन इक्वल टू कितना है यक्स है, तो रूट टू प्लस वन का पावर यक्स इक्वल टू रूट टू, इसका पावर यक्स इक्वल टू। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करें, इसका रिप्रेजेंटेशन करें रूट टू प्लस वन का होल पावर यक्स इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपॉन रूट टू प्लस वन, इट मींस रूट टू प्लस वन का और माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन। देख लीजिए, देखो हर एक छोटी बात लॉग की क्लियर हो, ठीक है। अच्छा किसी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइंड है, इतना तो समझ लिए, क्या किसी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइंड है, तो जो भी पढ़े किसके लिए पढ़े हैं वही पॉजिटिव के लिए पढ़े हैं। क्या किसी नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड है, जैसे मैं छोटी सी टिप्पणी लिखूं आप सबके लिए और क्वेश्चन ही मानिएगा या उसमें कॉन्सेप्ट लीजिएगा, जैसे लॉग माइनस फोर बेस टू क्या ये डिफाइंड है। आप इतना समझा दो कि दो के पावर क्या रखेंगे माइनस चार आ जाए, दो के पावर क्या रखेंगे माइनस चार आ जाए, वो बता सकते हैं इसका मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर, नेगेटिव किसी भी नेगेटिव नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। जो एन है हमारा क्या है यहां पर, एन क्या आ गया माइनस फोर, क्या आ गया माइनस फोर नेगेटिव आ गया और नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम डिफाइन नहीं है। एक और बात बोलता हूं, लॉग जीरो बेस टेन, लॉग जीरो बेस टेन अभी बताइए कि दस का पावर क्या रखें, दस का पावर क्या रखें कि जीरो आ जाए।
दस के पावर क्या रखे कि जीरो आ जाए, सोच के बोलिए, दस के पावर क्या रखे कि जीरो आ जाए। दस के पावर क्या रखेंगे जीरो हो जाए, कोई समझाए आपको? दस के पावर सोचो सोचो सोचो, दस के पावर क्या रखेंगे जीरो हो जाए? डिफाइंड है तो पहले क्या रखें, पहले सोचिए तो क्या रखें, दस के पावर क्या रखेंगे तो जीरो हो जाए। क्या डिफाइंड है? डिफाइंड नहीं है। और सब क्या है दोस्तों, जब डिफाइंड नहीं है तो वो सर्विस का मतलब इनफाइनाइट, डिफाइंड भी डिफाइंड नहीं है। तो अब यहां ऐसे तो बोलेंगे सर नॉट डिफाइंड, जो मैंने रिपोर्ट दिखाया, लेकिन हम बोल सकते हैं कि लॉग जीरो बेस टेन को माइनस इनफाइनाइट। सर ये कैसे माइनस इनफाइनाइट है? बड़ा अच्छा मुद्दा हो जाएगा ये लॉजिक। तो मैं मिटाना चाहूंगा, देखो एक बात, अब जानते हो ना कि 10 की पावर माइनस इनफिनिटी इक्वल टू जीरो, 10 के पावर माइनस इनफिनिटी इक्वल टू जीरो, तो 10 के पावर माइनस इनफिनिटी इसका मतलब 1/10 के पावर इनफिनिटी, और 1 के पावर इनफिनिटी, 1 के पावर इनफिनिटी, 1 1 के पावर इनफिनिट 1 बटा में 10 के पावर इनफिनिट। अब बताइए 10 के पावर बहुत बड़ा बड़ा घात रखेंगे, घात बढ़ता जाएगा तो वैल्यू इतनी बढ़ती जाएगी, क्या लिख पाएंगे? इसका मतलब लिख नहीं पाएंगे, इसका मतलब और अपन का आएगा इनफिनिट, और 1 बाय इनफिनिट की वैल्यू क्या होता है? 0। याद रखना कि किसी जीरो की लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होगा? माइनस इनफिनिटी होगा। जीरो की लॉगरिथमिक वैल्यू माइनस इनफिनिटी होगा। लिखिए इसको। Thank you.
शिक्षा जी एक बात हो इतना तो क्लियर की कोई नंबर कभी ऐसे और डिफरेंट में करते हो एक के बाद यस को डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से एक के बाद यस को डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से कैसे अब मुद्दा एक पर एक का मान एक के बाद किसको इनफाइनाइट एक का मान यदि जीरो से बड़ा हो मैं एक से बड़ा बोलूं एक का मान एक से बड़ा होगा एक का मान एक से बड़ा होगा एक का मान एक से बड़ा होगा तो इसका मैं इसकी वैल्यू क्या होगी एक का मान वन होगा तो वन के पावर इनफाइनाइट और एक का मान वन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा एक का मान वन से छोटा होगा और जीरो से बड़ा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी जिसका लिमिट में यूज होता है जिसका लिमिट में यूज होता है इतने के बाद किसी लॉग का बेस एक को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है लॉगरिथम का बेस आधार एक को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है मैंने एक नॉट बोला ये ग्रेटर जीरो बोला ए ग्रेटर जीरो बोला नॉट वन बोला एक नोट लिखिएगा उसमें नोट लिखिएगा कि लोगणा का आधार एक को छोड़कर लोगणा का आधार एक को छोड़कर कोई वास्तविक धन संख्या हो सकती है कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या हो सकती है लघुगणक का आधार एक को छोड़कर कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या हो सकती है लघुगणक का आधार एक को छोड़कर कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या हो सकती है यदि आधार 10 हो तो उसे साधारण लघुगणक कहते हैं यदि आधार 10 हो तो उसे साधारण लघुगणक कहते हैं और आधार 10 को लिखना आवश्यक नहीं है हाँ आधार 10 को लिखना आवश्यक नहीं है आधार 10 हो तो इसे साधारण लघुगणक कहते हैं आधार 10 हो तो इसे साधारण लघुगणक कहते हैं इसमें आधार 10 पर लिखना आवश्यक नहीं है इसमें आधार 10 पर लिखना आवश्यक नहीं है जैसे हम जो भी सिंपलीफाई जो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते हैं ना उसके समय लॉग 50 बेस 10 इसका मतलब इसे हम लॉग 50 लिख कर छोड़ दें इसका मतलब बेस कुछ नहीं दिया गया कितना पड़ेंगे और एक होगा नेचुरल लॉगरिथम एक क्या होगा नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस जो होता है लॉग यक्स बेस ई जिससे ई नेक्स पढ़ते हैं जो कि हमारे डिफरेंशिएशन में यूज होता है आगे यूज होता है तो इसके बाद हम टॉपिक पर चर्चा और अधिक करते हैं लेकिन जो मैं समझाया समझ के पढ़ कर ये आज के लिए बनाए धन्यवाद